बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से। हयात ट्रैवल की तरफ से आप सबको हम वेलकम करते हैं। और आज की वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पज़ है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीबॉडी, मैं उन सब का ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने हमारे साथ हमारे लाइव में रहे, जो हमारी वीडियोज़ को वॉच करते रहे और जिनकी सबकी पार्टिसिपेशन से आज हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हुआ है, जिसमें हमारी फैमिली और हमारे वाईट्यूब फ्रेंड्स जो हमारे लाइव में हमारी वीडियो वॉच करते रहे, उन सब का पार्टिसिपेशन थी। और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हम उन सब का ग्रेटफुल हो सकें, उनका सबका हम लोग थैंक्स कर सकें। और इस वीडियो के एंड में हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने तमाम जो तमाम तो नहीं आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स का हम शाउट आउट दे सकें, इस वीडियो के एंड पे हम लोग डेफिनेटली उनका शाउट आउट, उनके चैनल का शाउट आउट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसका मकसद ये नहीं है कि हम जो शाउट आउट जिन चैनल का हम देंगे सिर्फ वही उनकी पार्टिसिपेशन रही है, बहुत ज़्यादा लोगों की रही है, बहुत ज़्यादा चैनल्स की हमारे साथ पार्टिसिपेशन रही है। लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम तमाम लोगों का या तमाम चैनल्स का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने चैनल्स का नाम हम ले सकें। तो इस वीडियो के एंड में हम उन चैनल्स का नाम भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे इस जर्नी में हमारे साथ रहे हैं और जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। और अलहा ट्रैवल जो है, जैसे आपको पता है, हमारी एक ट्रैवल एजेंसी है, लेकिन उसके साथ हमने YT पे भी अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट की है। नियरली 2017 के एंड में हमने स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हम इसको कंटिन्यू कर सके। लेकिन 2019 के स्टार्ट में हमने इस पर स्ट्रगल करना शुरू की है, तो 2019 के मार्च में हमने इस पर स्ट्रगल करना शुरू की है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर के एंड में हमें हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें हम तमाम लोगों का बहुत ग्रेटफुल हैं, तमाम हमारे पार्टिसिपेंट का। और आज की वीडियो जो है उसका जो पर्पज़ है, आज हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीम की है और हम चाह रहे थे कि हम जो हमने लाइव स्ट्रीम्स की हैं अपनी, उसका एक्सपीरियंस जो है वो अपने YT फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ हम शेयर कर सकें। क्योंकि लाइव स्ट्रीम की वजह से हमारे माशाल्लाह बहुत जल्द हमारा मोनो हुआ है, और हम चाह रहे थे कि हम ऐसी जो टिप्स हैं, कुछ ऐसी जो हिंट्स हैं जो हम अपने YT फ्रेंड के साथ शेयर कर सकें, जो उनको लाइव स्ट्रीम करने में उनको हेल्पफुल हों। और ये जो टिप्स हैं या ये जो है, ये सिर्फ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा पर्सनल व्यू है, जिससे एग्री करना ना करना वो हमारे व्यूज़ पे है। और इसमें YT की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये YT की टिप्स हैं या YT की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन, ये हमने अपना एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करना है। और इस एक्सपीरियंस की वजह से जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो न्यू लाइव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि अगर उनको इसमें से कुछ हेल्प मिल सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और हमने इसके लिए तकरीबन 10 से 12 जो हैं वो हमने टॉपिक निकाले हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वन बाय वन। और सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर आपने आप यूट्यूबर हैं तो अपने अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की तरफ से या YT की तरफ से, वो सबसे पहले तो ये है कि आपके मिनिमम जो है वो 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए, और उसके बाद ही आप अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने वाया अपने चैनल। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप वाया ऐप से है, अपनी ऐप डाउनलोड करके उससे आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कीजिएगा। और हम चलते हैं कि पहले जो हमारा हमने अपना पहले टॉपिक रखा है उसकी तरफ चलते हैं। तो उसके लिए जो हमने नंबर वन चूज़ किया है उसको हमने रखा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमने नंबर वन पे इसलिए रखा है कि कॉन्फिडेंस जो है, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आपने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपने अपने फ्रेंड से बात करनी है, उनके क्वेश्चन का आंसर करना है अपने, और उनसे बातें करनी है, तो डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे तो डेफिनेटली जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, वो आपकी लाइव में रुकेंगे, आपसे बात करेंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली आप किसी से गेन नहीं कर सकते, किसी से आप कॉन्फिडेंस जो है वो सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान के अपने अंदर है,
और आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को आप अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखें और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ करने की ट्राई कीजिए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और नंबर दो जो हमने रखा है, नंबर टू पे हमने जो रखा है उसको रखा है वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी मीन कि अगर आपकी वॉइस क्वालिटी, अगर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी वॉइस क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो डेफिनेटली आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, वो आपकी लाइफ में रुकेंगे और आपसे अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अच्छी कन्वर्सेशन कर सकेंगे और आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो टाइम देंगे। इस वजह से हमने वॉइस क्वालिटी, क्योंकि अगर आपकी वॉइस, आपकी जो आप जो बात कर रहे हैं, जो आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो सुनने वाले लिसनर जो हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके कि आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप उनसे क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए वॉइस क्वालिटी को हमने नंबर टू पे रखा है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उस पर है जी वार्म वेलकमिंग। जी वार्म वेलकमिंग, वेलकम हमने इसलिए रखा है कि अगर आपके लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई आपके न्यू फ्रेंड आते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उसके साथ वार्म वेलकम करें, उसको अच्छे तरीके से उसको वेलकम करें, उसके चैनल, उसके लिए उसके चैनल का शाउट आउट करें और उनको बहुत अच्छे तरीके से आप जो कलमात हैं, जो आपने वर्ड्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे और बहुत अच्छे वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से उनको वेलकम करें। तो डेफिनेटली आपका, आपके फ्रेंड जो हैं, जो आपकी लाइफ में आएंगे, वो जैसे आप उनको वार्म वेलकम करेंगे तो वो बहुत खुश होंगे और आपकी लाइफ को डेफिनेटली वो रेगुलर आपकी लाइफ में आना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप उनको अच्छे तरीके से आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्म वेलकम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो रेगुलर आएंगे। और नंबर फोर पे जो हमने रखा है कि शाउट आउट फॉर चैनल। शाउट आउट फॉर चैनल मीन के जैसे ही आपकी लाइफ में कोई आपका व्यूज़ आया है, आपके फ्रेंड आए हैं, तो ये आप, आपकी ड्यूटी है कि आप उसके चैनल का शाउट आउट दें और दो से तीन बार, चार बार उसके चैनल का शाउट आउट दें कि जो बाकी आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके व्यूज़ हैं, उनके जहन में, उनके माइंड में जो न्यू कमर आया है, जो न्यू चैनल आया है, आपके आपकी लाइफ में आया है, इंटर हुआ है, तो उनके माइंड में, उनके जहन में उस चैनल का जो नाम वो बैठ जाए, ताकि वो उसके चैनल को विजिट कर सकें, उसकी वीडियो को वॉच कर सकें। और अगर हो सके, अगर वो उनके फ्रेंड नहीं है तो हो सके तो उनको फ्रेंड भी बनाएं और उनकी वीडियो को वॉच करने के बाद उनको वो लेटर भी दे सकें। और इस वजह से हमने जो है शाउट आउट रखा है नंबर फोर पे, शाउट आउट फॉर चैनल, के जो आपका आया है उसको आप उसके चैनल का शाउट आउट ज़रूर दें। और उसके नंबर फाइव पे जो हमने रखा है टॉपिक, वो रखा है रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन के जैसे ही आपकी लाइफ में 8 से 10 लोग हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, 3 हैं, 2 हैं, लेकिन जो जो आपकी लाइफ में आया है वो सब रिस्पेक्टेबल है और सबको आपने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करनी है, अच्छे तरीके से आप उनसे बात करें। और डेफिनेटली हर बंदा जो है उसका राइट है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, और इसलिए सबके साथ आप अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली आप उससे बात करें और उनको आप उनको अपनी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में है तो आप उनको अच्छे तरीके से वेलकम भी करें और उनको रिस्पेक्ट भी दें। और नंबर है वो रखा है जी हमने, नंबर सिक्स हमारा टॉपिक है वो है इनकरेज टू बी लॉयल। इनकरेज टू बी लॉयल इसलिए मैंने रखा है कि डेफिनेटली हम जिस जी लाइफ में जाते हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं, सबका एक ही जो है वो पॉइंट होता है जी, कि हर बंदा जो है, जो हर वाइटी जो कर रहे हैं उनको लॉयल होना चाहिए, एक दूसरे की वीडियो को वॉच करना चाहिए, एक दूसरे की वीडियो को टाइम देना चाहिए और एक दूसरे के जो आपने लेटर देने हैं वो भी आप डेफिनेटली उसको दें। और इस वजह से हमने इनकरेज, उनको इनकरेज करना है, जो हमारे लाइफ में हमारे फ्रेंड आए हैं उन सबको हमने इनकरेज करना है कि भी आप एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, एक दूसरे की वीडियो को ज़रूर वॉच करें, वॉच करने के साथ आप लेटर दें, और विदाउट, अगर आप वॉच किए बगैर अगर आप लेटर देंगे तो आपके वर्ड जो हैं वो स्पैम में चले जाएंगे और किसी का बेनिफिट नहीं है। इस वजह से हमने नंबर सिक्स पे रखा है इनकरेज टू बी लॉयल, कि सब एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, लॉन्ग लाइफ फ्रेंड बनाएं और एक दूसरे की वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। और आगे चलते हैं जी, हमने नंबर सेवन जो रखा है वो रखी है लाइव कन्वर्सेशन।
लाइट कन्वर्सेशन जी, लाइट कन्वर्सेशन हमने इस नंबर 7 पे रखी है कि आप अपने व्यूज़ के साथ, अपने फ्रेंड के साथ लाइट कन्वर्सेशन जो है वो अपने थ्रू आउट उसको जारी रखें। बिल्कुल लाइट से कन्वर्सेशन होनी चाहिए, अच्छी कन्वर्सेशन होनी चाहिए और आपका जो है वो थ्रू आउट आपकी जो टेम्पो है वो उसको आप मेंटेन रखना है। लाइट कन्वर्सेशन आप अपने व्यूज़ के साथ, अपने फ्रेंड के साथ 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 करते रहें। और इसके बाद नंबर 8 पे हमने रखा है जी अवॉइड पर्सनल कन्वर्सेशन जी। लाइट कन्वर्सेशन के बाद जो हमने नंबर 8वें पे रखा है, नंबर 8 पे हमने रखा है वो है अवॉइड पर्सनल कन्वर्सेशन। अवॉइड पर्सनल कन्वर्सेशन इसलिए रखा है कि अगर आप किसी की पर्सनल बात, किसी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके पर्सनल अगर आप उसकी उसके बारे में पता करेंगे या पूछेंगे तो डेफिनेटली वो काफ़ी लोग, मेजोरिटी जो है वो इस बात को पसंद नहीं करती और इस बात को अच्छा नहीं समझती। तो इसलिए आप अवॉइड करें कि आप किसी के पर्सनल कन्वर्सेशन, पर्सनल क्वेश्चन जो हैं वो अवॉइड करें पर्सनल। और नंबर 9 पे हमने रखा है जी डिस्करेज द व्यूअर्स टू अवॉइड एनी आर्गूमेंट ड्यूरिंग लाइव जो है मेजोरिटी काफ़ी लोग, काफ़ी लाइव में ऐसा होता है कि लोग आपस में आर्गूमेंट करते हैं, एक दूसरे को मैसेज ऐसे लिख देते हैं जो कि अच्छा नहीं होता। अगर लाइव में कुछ लोग ऐसे मैसेज करें एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट करें तो वो अच्छा नहीं होता। इस वजह से आप लोग उनको डिस्करेज करें, उनको स्टॉप करें इस ऐसा करने से कि आप इसमें क्रॉस आर्गूमेंट मत करें, क्रॉस टॉकिंग जो है वो मत करें। उनको आप लोग, आप उनको डिस्करेज करें कि ऐसी कन्वर्सेशन ना करें, ऐसे मैसेज ना करें और ट्राई करें कि कुछ स्पैम वर्ड्स वगैरह यूज़ ना करें वो लोग। इस वजह से आप उनको डिस्करेज करें कि वो लोग आर्गुमेंट आपस में ना करें। और नंबर 10 पे हम चलते हैं, नंबर 10 पे हमने रखा है जी शाउट आउट इक्वली फॉर एवरी चैनल। इट्स मीन कि जो भी आपकी लाइव में आपके फ्रेंड आए हैं, आपके व्यूअर्स आए हैं, डेफिनेटली वो किसी पर्पज़ के लिए हैं, आपके आपके लाइव में आए हैं और आपकी, आप अगर आप हो सके तो उनके चैनल का आप शाउट आउट जो है वो टाइम बाय टाइम देते रहें उनके चैनल का। इसलिए कि जो आपकी लाइव में दूसरे व्यूअर्स हैं, जो दूसरे आईटी फ्रेंड आपके आए हैं, तो सबके माइंड में एक दूसरे के चैनल का जो है वो उनके माइंड में उनके चैनल का रहे, ताकि उनके चैनल को विज़िट कर सकें, उनके चैनल की वीडियो वॉच कर सकें, उनको मैसेज, उनको कमेंट्स लिख सकें और लेटर दे सकें। तो इस वजह से हमने नंबर 10 पे रखा था शाउट आउट इक्वली फॉर एवरी चैनल। और नंबर 11 जो हमने रखा है गिव हेल्पफुल एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन जी। हेल्पफुल एडवाइस और इन्फॉर्मेशन इसलिए हमने नंबर 11 पे रखा है कि डेफिनेटली जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी आप रिसर्च करके बैठें, आपके पास थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए जो कि वाईटी की तरफ से रिसर्च हो और अपनी तरफ से नहीं या सुनी बातों पे नहीं, आप एक प्रॉपर रिसर्च करें। और अगर आपके व्यूज़ या आपके फ्रेंड जो हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वाईटी के बारे में तो डेफिनेटली आप उनको अच्छी एडवाइस भी दे सकें, उनको हेल्पफुल एडवाइस और इन्फॉर्मेशन दे सकें, लेकिन वो एडवाइस और वो इन्फॉर्मेशन जो कि वाईटी की तरफ से है, आपकी उस पर रिसर्च होनी चाहिए और ट्राई करें कि ऑथेंटिक आप एडवाइस दें, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता तो जब तक आप उस पर रिसर्च ना कर लें, जब तक आप उस पर आपको उसके बारे में कन्फर्म ना हो तो आप अवॉइड करें कि ऐसी एडवाइस ना दें और इन्फॉर्मेशन ना दें। आप उनको कह दें जी कि मैं रिसर्च करके या कुछ इसका बारे में कंफर्म करके फिर मैं आपको कुछ एडवाइस और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं। और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है या आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है तो आप उनको दें, लेकिन वाईटी की गाइडलाइन के मुताबिक। और अब हम चलते हैं अपने नंबर 12 पे। नंबर 12 पे हमने रखा है जी कि मेंटेन फुल कंट्रोल इन योर लाइफ जी। अपनी लाइव स्ट्रीम जो है वो आप जो कर रहे हैं वो आपकी फुल आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, मेंटेन आपको रखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इट्स मीन के आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए आपकी लाइव में,
और इस वजह से कि जो आपके व्यूज़ आए हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी आपकी लाइफ में रुकें और आपकी लाइफ में रेगुलर आएँ। अगर आपकी आपके कमान नहीं होगी, अगर आप लाइव स्ट्रीम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे या उस पर आपकी कमान नहीं है, आप उसको मेंटेन नहीं रख रहे, तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में कब आएंगे, तो फिर अगली नेक्स्ट लाइफ में आते हैं नहीं आते। इस वजह से आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल होना चाहिए, कमान होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ के दौरान अपने तमाम फ्रेंड्स को, अपने व्यूवर्स को आप एंगेज रखें, उनके साथ अच्छी लाइट कन्वर्सेशन करें, हेल्पफुल कन्वर्सेशन करें, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ को डेफिनेटली सक्सेसफुल भी करेंगी और आपकी लाइफ में आपके व्यूज़ जो हैं वो रेगुलर रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ में हमारे व्यूज़ जो हैं वो तकरीबन जितना हमने लाइव की है, अपनी लाइव स्ट्रीम की है 4-5 मंथ से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसे हमारे फ्रेंड हैं जो हमारे डे वन से हमारे लाइव में रहे हैं हमारे साथ और रेगुलर रहे हैं, हमारी जितनी लाइव में हैं वो माशाल्लाह रेगुलर रहे हैं। और इसमें ये नहीं है कि हम कोई बहुत एक्सपर्ट हैं या हमारे में कुछ बहुत क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी तरफ से स्ट्रगल की, अपनी तरफ से कोशिश की, ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं और हमारे परवरदिगार की करम नवाज़ी की वजह से। और ये जो हमने आज आपके सामने कुछ टिप्स रखी हैं, हमें उम्मीद है कि जो हमारे न्यू लर्नर्स हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं, जो न्यू वाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो उनको इसमें से अगर कुछ 1% 5% 10% भी अगर इसमें से कुछ हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, वॉच करें, फुली वॉच करें और कमेंट्स कीजिएगा हमें इसके बारे में कि कैसी आपको लगी हमारी वीडियो। और इसके बाद हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस वीडियो के एंड में जो हमारे साथ हमारे वाईटी की जर्नी में हमारे फ्रेंड रहे हैं, हमारे व्यूज़ रहे हैं, जो रेगुलर हमारे साथ रहे हैं, हमारी वीडियो वॉच करते रहे हैं, हमारी लाइव स्ट्रीम में वो लोग उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है और हमें टाइम दिया है, तो हम उनका थैंक्स ग्रेटफुल हैं। और हम उनके कुछ चैनल्स के जो हैं नाम लेंगे, और ये नहीं है कि यही चैनल हैं या यही हमारे फ्रेंड हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबका नाम लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। और लेकिन हम कुछ चैनल्स का जो शाउट आउट करते हैं, उसमें हमारे साथ रहे हैं एसर फैंटेसी, नूर्स किचन, जेस्टी फूड, वाई वाइट पर्ल, सोबिया जकी, दुआए हयात, मधु ठाकुर, हाशु शाह, ईजी कुकिंग, चौधरी कपूर, के फॉर लाइफ, यस टू पेस्ट, कुकिंग आइडियाज बाय सैमी, पी क्लर्ली, हमजा ए, नौशीन हसीब, ईशा नदीम और वीनस वेव्स, ब्रदर इस्लाम, शुक्ला शर्मा, मंत्रंग, सोल ईज, कनाडा ट्रैवलिंग, फैसल फूड, क्रिस्टल व्यू, अंकिता सिन्हा, डिंपल व्लॉग्स, ओस्लो वॉक एंड टॉक, किचन एंड बेकरी, अजीमम किचन, आयशा लाइफस्टाइल, हैप्पी मील विद इंशा लाइफस्टाइल, सिंपल सिंपल लाइफ इन रियाद, होममेड, हमाद आसिफ, इमरान व्लॉग्स, दुबई मॉम, बांग्लादेशी मॉम, सुल्ताना बांग्लादेशी, एंड प्रोफाइल स्टाइल, नगमा लाइफस्टाइल, एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे साथ हमारे फ्रेंड रहे हैं, वाइटी फ्रेंड हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यूज़ रहे हैं, खतीजा एन हमारे साथ रही हैं, हमारे साथ लाइफ एंड फन रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड ने हमारे साथ पार्टिसिपेशन की है, और हम सब को बहुत ग्रेटफुल हैं। और फिरोज़ खान रहे हैं, राहिल अख्तर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ और जो जो फ्रेंड रहे हैं हमारे साथ, हम सबको सबका ग्रेटफुल हैं सबको। और हमारी अपनी वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अपने अपने अच्छे कमेंट से हमें आप अच्छे कमेंट्स करें हम इस वीडियो पे, और
अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।